हाउ आर यू, होप यू आर फिट एंड फाइन. टुडे वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 3. द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोर ऑन विंडोज. टुडे वी विल डू टू टॉपिक्स. दीज आर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट इज ट्रबल शूटिंग एंड सेकेंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस. दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 32 एंड पेज नंबर 33 ऑफ योर कंप्यूटर बुक. सो ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 32. आवर फर्स्ट टॉपिक इज ट्रबल शूटिंग. यस बेटा, ट्रबल का मीनिंग क्या होता है? प्रॉब्लम. और शूटिंग का टू रिमूव. जब हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है? जब हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रबल शूटिंग. व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर वी फेस प्रॉब्लम्स. जब हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं कई बार हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ना. द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्लानिंग एंड रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग. जब हम किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, देन प्लानिंग करते हैं कि हम अब इसको कैसे सॉल्व करें, एंड रिजॉल्विंग, जब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रबल शूटिंग. सो द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्लानिंग एंड रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग. व्हेन वी वर्क ऑन कंप्यूटर वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स. तो उसमें से केस वन क्या है? एरर मैसेज इज डिस्प्लेड. कई बार क्या होता है, हमारी स्क्रीन पर इस तरह के छोटे छोटे डायलॉग बॉक्स ओपन होने लगते हैं, ठीक है? दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है? इस तरह से प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होती हैं. तो हमें क्या करना होता है, इसके अंदर जो कंटेंट रिटन है इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसकी प्लानिंग करनी है. ये देखना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें और फिर उसको सॉल्व करना है. तो हमारा केस वन है, एरर मैसेज इज डिस्प्लेड. इफ़ योर कंप्यूटर प्रॉम्प्ट्स एन एरर मैसेज देन लुक फॉर इट इन कंप्यूटर हेल्प एंड सपोर्ट फीचर. बेटा, इसके अंदर हमारे कंप्यूटर में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास हेल्प एंड सपोर्ट का एक हेल्प और सपोर्ट का फीचर होता है एक, ठीक है? तो हम F1 की प्रेस करके हेल्प ले सकते हैं. हाउ वी कैन सॉल्व दिस एरर. दीज डेज सॉल्यूशन फॉर ऑलमोस्ट एवरी एरर मैसेज इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. आजकल क्या है, कोई भी एरर अगर हमारे कंप्यूटर में आता है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इंटरनेट से अवेलेबल हो जाता है. इफ़ यू आर अनेबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑलवेज आस्क एन एक्सपर्ट. और जब भी आपको कोई दिक्कत आए, आप प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, तो आपको किससे कंसल्ट करना है? किसी एक्सपर्ट से. केस टू, दूसरे केस में बेटा क्या होता है, कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. कई बार हम कहते हैं ना कि हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया है, हम कमांड दे रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा है, तो हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है. ये हमारा सेकंड केस है, कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. देखिए, जब हम एक्सपीरियंस्ड दैट व्हाइल वर्किंग सडनली योर कंप्यूटर स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू योर कमांड्स. क्या होता है, कई बार हम जब वर्क कर रहे होते हैं तो अचानक से हमारा कंप्यूटर हमारी कमांड्स को रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर देता है.
This situation indicates that your system is in hung state. जब हम कहते हैं ना हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया, तो वो कौन सी स्टेट होती है? हंग स्टेट. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? प्रेस कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की. ये थ्री कीज, कंट्रोल, ऑल्ट और ये डिलीट, ये तीनों हमारे कीबोर्ड पर गिवन है. हमें इन तीनों को एक साथ प्रेस करना है, इकट्ठे कॉम्बिनेशन में. क्लिक ऑन द टास्क मैनेजर ऑप्शन, उसके बाद हमें क्या करना है? टास्क मैनेजर ऑप्शन पर क्लिक करना है. देन टास्क मैनेजर विंडो अपीयर्स डिस्प्लेइंग ऑल द करंटली रनिंग एप्लीकेशंस. जो हमारी टास्क मैनेजर विंडो है, इसमें जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस रन कर रही हैं कंप्यूटर पर, वो सारी एप्लीकेशंस वो डिस्प्ले करेगा. दैट मीन्स जितनी भी एप्लीकेशंस हम उस समय यूज़ कर रहे होंगे, उन सबको टास्क मैनेजर डिस्प्ले करेगा. देन क्लिक ऑन एंड टास्क बटन. हमने कहाँ क्लिक करना है? एंड टास्क बटन पर. देखिए, ये देखिए एंड टास्क बटन. क्लिक ऑन दिस बटन, यू विल गेट द सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस. बेटा, जिस तरह से हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से वर्क करता है, उसी तरह से हमारे मोबाइल्स जो हैं, इनके अंदर भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिसकी हेल्प से हमारे जो मोबाइल्स हैं वो वर्क करते हैं. क्लियर? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर द मोबाइल्स. द ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट यू हैव लर्न अबाउट सो फार डिज़ाइंड टू रन ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स. बेटा, आपने आज तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं, वो किसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं? डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए. मोबाइल डिवाइसेस सच एज फोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स एंड MP3 प्लेयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स. बेटा, जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, हमारे फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, MP3 प्लेयर्स हैं, ये कंप्यूटर और लैपटॉप से डिफरेंट होते हैं. हैंस दे रिक्वायर ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट आर स्पेशली डिज़ाइंड फॉर देम. अब देखिए, मोबाइल जो हैं वो कंप्यूटर से, यानी कि डेस्कटॉप से और लैपटॉप से डिफरेंट होते हैं, तो इनको डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए. एग्जांपल्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे जो मोबाइल्स हैं, इनको वर्क करने के लिए अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड गूगल एंड्रॉयड, दे आर द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोबाइल्स में इंस्टॉल्ड होते हैं. नाउ एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम. बेटा, दिस इज़ द सिंबल ऑफ एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिकली दीज सिस्टम्स आर इंस्टॉल्ड इन आईफोन्स. आपने आईफोन का नाम तो सुना ही होगा, एप्पल का फ़ोन आता है ना आईफोन, उसमें एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है. नेक्स्ट इज गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. देखिए, मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल, वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रहे हैं? गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से. इट इज़ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय गूगल कंपनी. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ लेसन 3. Let's start the exercise of lesson number 3. Open your books on page number 34. A part is given there. Tick the correct answers. First question is, it is a special program to play and organize digital media files stored in a computer memory. Anjita, answers are given here. A option, control panel. B is
विंडोज़ मीडिया प्लेयर एंड सी इज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर। बताइए इनमें से किसमें हम डिजिटल मीडिया फाइल्स को प्ले एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? यस, इन विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो फर्स्ट का आंसर है आपका विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर टू, कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अ सीडी इज कॉल्ड। बेटा जब हम कंप्यूटर से डेटा को सीडी में राइट करते हैं या कॉपी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बर्निंग, रिपिंग, बोथ ए एंड बी। यस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बर्निंग। सो आंसर इज बर्निंग, ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट पेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मैनेज्ड थ्रू द कंट्रोल पैनल। ऑप्शंस आर गिवन हियर, नेटवर्क सेटिंग्स, डेट एंड टाइम सेटिंग, बर्निंग अ सीडी। बताइए इन तीनों में से कौन किसको हम कंट्रोल पैनल की हेल्प से मैनेज नहीं कर सकते? यस, बर्निंग अ सीडी। इसको हम किसकी हेल्प से मैनेज करते हैं? विंडोज मीडिया प्लेयर की हेल्प से, नॉट विद द कंट्रोल पैनल। फोर्थ इज प्लेसिंग अ प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर मेमोरी टू मेक इट रेडी फॉर यूज इज कॉल्ड। बेटा जब हम कोई भी प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में डालते हैं यूज करने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिपिंग, इंस्टॉलिंग, बर्निंग। यस, सोच के बताइए। यस, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलिंग। हम क्या करते हैं? प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। लास्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। बेटा इसमें थ्री ऑप्शंस गिवन हैं, आइडेंटिफाइंग एन एरर, रिजॉल्विंग एन एरर, कॉपिंग एन एरर। बताइए इन तीनों में से ट्रबल शूटिंग में हम क्या नहीं करते? यस, हम एरर को कॉपी नहीं करते, कॉपिंग एन एरर, करेक्ट। नाउ बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। हेल्प बॉक्स इज गिवन टू यू। देखिए हेल्प बॉक्स दिया हुआ है आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज कंट्रोल पैनल, सेकेंड इज डेट एंड टाइम, थर्ड इज विंडोज मीडिया प्लेयर, फोर्थ इज अनइंस्टॉलिंग एंड फिफ्थ वन इज सेटअप फाइल। चलिए बेटा नाउ स्टार्ट द फिलअप्स। फर्स्ट इज डैश ऑल्सो लेट्स यू कॉपी डेटा फ्रॉम अ सीडी टू अ कंप्यूटर और वाइस वर्सा। किसकी हेल्प से हम कॉपी करते हैं डेटा को? सीडी से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से सीडी में। यस, विद द हेल्प ऑफ विंडोज मीडिया प्लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपकी थर्ड ऑप्शन, विंडोज मीडिया प्लेयर। सेकेंड फिलअप, क्लिकिंग ऑन द डैश बिगिंस द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। हाँ जी बेटा, किस ऑप्शन पर क्लिक करने से हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है? यस, ऑन द सेटअप फाइल। व्हेन वी क्लिक ऑन सेटअप फाइल आवर इंस्टॉलेशन प्रोसेस गेट स्टार्टेड। थर्ड इज डैश इज यूज्ड टू मेक चेंजेस टू वेरियस सेटिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस करने हैं तो हम कौन सी ऑप्शन का चूज करेंगे? यस, कंट्रोल पैनल। जैसा कि आपने किया, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होती हैं जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर में चेंजेस कर सकते हैं। फोर्थ इज क्लॉक एंड रीजन कैटेगरी इज यूज्ड टू चेंज द डैश सेटिंग्स। जैसे कि बेटा नेम से ही सजेस्ट है आपको क्लॉक एंड रीजन कैटेगरी, तो इसकी हेल्प से हम किस में चेंजेस कर सकते हैं? यस, इन डेट एंड टाइम। फोर्थ का आंसर हो गया आपका डेट एंड टाइम। फिफ्थ वन इज रिमूविंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। यस बेटा, जब हम किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर में से रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अनइंस्टॉलिंग, अनइंस्टॉलिंग। क्या बोलते हैं? अनइंस्टॉलिंग। क्लियर? जैसा कि आप मोबाइल में से भी तो रिमूव करते हो ना, तो आप गेम्स को अनइंस्टॉल करते हो ना मोबाइल में से, इसी तरह से जब हम कंप्यूटर में से प्रोग्राम्स को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अनइंस्टॉलिंग। सी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। बेटा ट्रू के लिए टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए एफ राइट करेंगे। फर्स्ट इज बर्निंग इज
बेटा उसने कहा है कि बर्निंग जो है वो रिपिंग का ओपोजिट प्रोसेस है, यानी कि उल्टा। आपको पता है बर्निंग क्या होता है, कंप्यूटर से डेटा जब हम सीडी में कॉपी करते हैं, और रिपिंग क्या होता है, जब सीडी से कंप्यूटर में कॉपी करते हैं। सो दिस इज ओपोजिट, सो दैट इज ट्रू। सेकेंड इज द विंडोज कंट्रोल पैनल हैज सिक्स कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज होती है बेटा? इट हैज मोर देन सिक्स कैटेगरीज, सो दिस इज फॉल्स। थर्ड इज द पावर प्लान ऑप्शंस मैक्सिमाइज अ कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। बेटा जो पावर प्लान ऑप्शन होती है वो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोबाइल में अगर हम बैटरी सेवर का यूज करते हैं तो हमारे मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। इसी तरह से पावर प्लान का यूज करके हम अपने कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज ट्रू। थर्ड वन इज ट्रू। नाउ फोर्थ, अ प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर कैन नेवर बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। कोई भी प्रोग्राम अगर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज फॉल्स। हम उसको रिमूव कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं ना, तो दिस इज फॉल्स। फिफ्थ इज प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट की कॉम्बिनेशन ओपन्स द टास्क मैनेजर विंडो। बेटा जब हम कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट ये थ्री कीज का कॉम्बिनेशन इनको प्रेस करते हैं इकट्ठे, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर में टास्क मैनेजर विंडो ओपन हो जाती है। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन आंसर्स डी पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विंडोज मीडिया प्लेयर, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? बेटा सबसे पहले हमें यह बताना है व्हाट इज विंडो मीडिया प्लेयर, उसके बाद उसका यूज। यस, आंसर इज विंडोज मीडिया प्लेयर इज अ स्पेशल प्रोग्राम यूज्ड टू प्ले एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया फाइल्स। बेटा विंडो मीडिया प्लेयर में हम जो हमारे डिजिटल मीडिया फाइल्स यानी कि अपनी ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स को हम प्ले कर सकते हैं, एज वेल एज उनको हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू कॉपी डेटा फ्रॉम सीडी टू कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा को कॉपी करते हैं सीडी टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टू सीडी। वाइस वर्सा का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि उसका उलट भी होता है, साथ ही रिवर्स, सीडी टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टू सीडी। सो आंसर इज विंडोज मीडिया प्लेयर इज अ स्पेशल प्रोग्राम यूज टू प्ले एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया फाइल्स। इट इज ऑल्सो यूज टू कॉपी डेटा फ्रॉम सीडी टू कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा। यस, ऑन पेज नंबर 36, ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 36। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन बर्निंग एंड रिपिंग प्रोसेस। यहाँ पर बेटा हमें बर्निंग और रिपिंग में डिफरेंस बताना है, तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में, एक साइड पर बर्निंग लिखेंगे और अदर साइड पर रिपिंग। अब हम इस इनका डिफरेंस करते हैं। कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू सीडी इज कॉल्ड बर्निंग। बर्निंग में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से डेटा कॉपी करते हैं कहाँ पर, सीडी में। नाउ रिपिंग इज कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ सीडी टू कंप्यूटर इज कॉल्ड रिपिंग। क्लियर? तो रिपिंग में हम क्या करते हैं, डेटा कैसे कॉपी करते हैं, सीडी से कंप्यूटर। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ कंट्रोल पैनल। बेटा यहाँ पर हमने कंट्रोल पैनल की यूटिलिटी बतानी है। यूटिलिटी मीन इसका यूज, किस पर्पस के लिए हम करते हैं। आंसर इज कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा कंट्रोल पैनल में बहुत सारी ऑप्शंस थी, ठीक है, तो बहुत एवरीथिंग हम जो है वो मैनेज कर सकते हैं। विंडोज से रिलेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हमारी कुछ भी प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सो आंसर इज कंट्रोल पैनल इज यूज टू मैनेज एवरीथिंग फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन,
question is, differentiate between installing and uninstalling a program. यहाँ पर हमें installing और uninstalling में difference बताना है. तो हम क्या करेंगे, center में एक line draw करेंगे और एक side पर installing और दूसरी side पर uninstalling को write करेंगे. Installing क्या होता है, it is placing a program on a computer memory to make it ready for use. जब भी हम कोई program अपनी computer memory में place करते हैं, that process is called installing. जैसे कि आप games download करते हैं, ठीक है, वो आपके फोन में placed हो जाती है, memory space लेती है ना, तो आप उनको use करते हो. इसी तरह से computer में जब भी हम कोई program install करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, installing. Next is uninstalling. Removing a program from a computer is called uninstalling. जब भी हम कोई program computer memory से remove कर देते हैं, that process is called uninstalling. So answer is placing a program on a computer memory to make it ready for use is called installing, and removing a program from a computer is called uninstalling. Yes. Fifth question is, define the term troubleshooting. List any two kinds of troubles a computer may encounter. बेटा सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना है कि व्हाट इज troubleshooting, और उसके बाद हम ये बताएंगे कि कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हमारे कंप्यूटर में आती हैं. आंसर इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्लानिंग एंड रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग. जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रबल मीन प्रॉब्लम और शूटिंग मीन उसको रिमूव करना. ठीक है, जब हम किसी भी प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग. तो ट्रबल शूटिंग में देखो बेटा, इसके प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम ट्रबल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं कि हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, एंड उसको हम रिसॉल्व करते हैं, दैट मीन्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. That is called troubleshooting. Two kinds of troubles are. हमारे कंप्यूटर में दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली. कैसी आती हैं, केस वन, एरर मैसेज डिस्प्ले. कई बार क्या होता है, हम वर्क करते हैं तो कोई एरर का मैसेज हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है. सेकेंड इज कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. कई बार हम कहते हैं हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया है ना, काम करते करते कंप्यूटर हमारी कमांड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो हम कहते हैं हमारा कंप्यूटर जो है वो हैंग हो गया है. तो सेकेंड केस क्या हो गया, कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. इसका मतलब क्या है कि जब हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, रिस्पॉन्स नहीं करता, तो उस समय कौन सा एरर होता है, कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. क्वेश्चन इज व्हाट इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब ब्रीफली इट्स टाइप्स. हाँ जी बेटा, हमने ये बताना है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं. क्वेश्चन आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर स्पेशली डिजाइन फॉर मोबाइल्स आर कॉल्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. बेटा वो सिस्टम्स जो स्पेशली मोबाइल्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. There are two types of operating systems. हमारे पास two types के mobile operating systems हैं. Number one, Apple I operating system. आपने Apple phone सुना हुआ है ना, Apple का phone होता है, तो उसमें कौन सा operating system use होता है, Apple operating system. And second is Google Android. That is also an operating system. जल्दी कौन सा आ रहा है हमारे पास, Google Android operating system. Now about practical work, Scratch 3.0. Beta, this is a new software that you will learn in our next video, and for that you need to install in your computers. This is the icon of Scratch 3.0. Beta, जब आप Scratch 3.0 को डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का आइकन आपके कंप्यूटर स्क्रीन की डेस्कटॉप पर दिखाई देगा. एंड दिस इज़ द विंडो ऑफ स्क्रैच 3.0. तो आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम को इंटरनेट की हेल्प से
आप डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में और नेक्स्ट टाइम हम इस सॉफ्टवेयर में वर्क करेंगे. ओके, थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ एंड ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना वायरस.